हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद शिवकन्या। आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3-in-1 इंग्लिश विटामिन्स। विटामिन्स अमेरिकन इंग्लिश में, विटामिन्स ब्रिटिश और इंडियन इंग्लिश में, आपको जो अच्छा लगे आप कह सकते हैं। अगर आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो हम हमेशा अच्छा खान पान, समय पर सोना, फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ मल्टीविटामिन्स की गोलियां भी लेते हैं। ठीक उसी तरह अगर आपको अपनी इंग्लिश बेहतर बनानी है, जल्द से जल्द बेहतर बनानी है, तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। एक ही वीडियो में आप इंग्लिश के 3 अलग अलग लेसन्स इकट्ठा देखेंगे। इसमें आप क्या देखेंगे? देखिए, इंग्लिश की जो नींव है वो वोकैबुलरी, idioms and phrases और sentence structure के ऊपर खड़ी है। अगर हम बार बार नियमित रूप से इस foundation को मजबूत बनाएंगे तो आपकी English बहुत ही बेहतर बनेगी। बस आपको ये videos regularly देखने हैं और इसकी practice करनी है। चलिए 3-in-1 English vitamins के पहले lesson की शुरुआत करते हैं। Lesson number one, vitamin S। Yes, सही सुना आपने, विटामिन एस, एस फॉर सेंटेंस स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं। मैं चाहकर भी नौकरी नहीं कर सकती, वो चाहकर भी उसे नहीं बचा सकता, मैं चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकती, तुम चाहकर भी अपने आप को नहीं बचा सकते, मैं चाहकर भी आपसे शादी नहीं कर सकती। इन सारे सेंटेंसेस में चाहकर भी ये फ्रेज कॉमन है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं Even if I want to, I के बजाय आप he, she, it, we, you, they का भी यूज़ कर सकते हैं या किसी नाम का भी यूज़ कर सकते हैं। आइए इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं देखते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल है। सब्जेक्ट can't, V1 ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस even if I want to ये आएगा। मैं चाहकर भी नौकरी नहीं कर सकती, देखते हैं I सब्जेक्ट, can't do V1 a job object even if I want to, समझ में है। चलिए आगे के सेंटेंसेस देखते हैं। कुछ बच्चे चाहकर भी स्कूल नहीं जा सकते, some children can't attend school even if they want to, मैं चाहकर भी आपसे शादी नहीं कर सकती, I can't get married to you even if I want to, तुम चाहकर भी अपने आप को बचा नहीं सकते, You can't save yourself even if you want to. मैं चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकती, I can't go there even if I want to. वो चाहकर भी ज़्यादा पैसे नहीं कमा सकता, He can't earn extra money even if he wants to. अब आपके होमवर्क के लिए एक सेंटेंस। मैं चाहकर भी बाहर नहीं जा सकता। आप वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें और फिर वीडियो कंटिन्यू करें। अब आइए चलते हैं लेसन नंबर 2 की तरफ। लेते हैं विटामिन वी, वी फॉर वोकैबुलरी। आज हम GR से शुरू होने वाले कुछ शब्द देखते हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग, पहला शब्द है ग्राउंड ब्रेकिंग, जिसका मतलब होता है अभूतपूर्व, यूनिक। फॉर एग्जाम्पल, He did groundbreaking research into water problems. पानी की समस्या को लेकर उसने बहुत ही अभूतपूर्व संशोधन किया है। दूसरा वर्ड है groan, जिसका मतलब होता है कराहना। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट इज groaning with pain. वो पेशेंट दर्द से कराह रहा है। तीसरा शब्द है ग्रैंटी। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रैंटी। हम सबको ग्रैंट यानी अनुदान ये मालूम होता है, लेकिन ग्रैंटी ये भी एक शब्द है इंग्लिश में, जिसका मतलब है अनुदान पाने वाला। फॉर एग्जाम्पल, देर आर 10 ग्रैंटीज इन अ लाइन। कतार में 10 अनुदान पाने वाले खड़े हैं। अब आपका होमवर्क, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द अपने सेंटेंस में यूज़ करें और वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पॉज करें, कमेंट लिखें और फिर कंटिन्यू हो जाए। चलिए चलते हैं तीसरे लेसन की तरफ। आप लेंगे विटामिन आई फॉर idioms। सोने पे सुहागा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? चलिए मैं बता देती हूँ। इसे कहते हैं आइसिंग ऑन द केक।
For example, I love my job and getting public recognition is merely the icing on the cake. यानी मुझे अपना काम पसंद है लेकिन साथ ही साथ लोग मुझे पहचानते भी हैं, ये तो सोने पे सुहागा हो गया. द सेकेंड idiom, क्या आप मानते हो कि घर आखिर घर होता है? हाँ जी, घर आखिर घर होता है, लेकिन इसे हम इंग्लिश में कैसे कहें? इसे कहेंगे देर इज नो प्लेस लाइक होम. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी दैट देर इज नो प्लेस लाइक होम. मेरी दादी हमेशा कहती थी कि घर आखिर घर होता है, पर इस बात का पता मुझे अभी लगता है जब मैं घर से दूर आ चुकी हूँ. लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर होम यू गेट टू नो दैट देर इज नो प्लेस लाइक होम. जब तुम घर से दूर चले आते हो तब तुम्हें पता चलता है कि घर आखिर घर होता है. तो आज हमने दो idioms देखी, एक सोने पे सुहागा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, और दूसरा है घर आखिर घर होता है जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं देर इज नो प्लेस लाइक होम. तो ये हो गए हमारे तीन lessons इकट्ठा. आज का ये lesson आपको कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. भविष्य में और ऐसे lessons अगर आप मुझसे चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए. विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट lesson. टिल देन कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग. इंग्लिश विद शिवकन्या. बाय फॉर नाउ. चाओ.